हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मैन भाग्यश्री। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए क्योंकि मैंने बहुत दिनों से वीडियोस नहीं दी थी। ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, बट नाउ हियर आई एम विद द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज टिश्यूज। अब फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्लांट टिश्यूज, प्लांट में किस किस तरीके के टिश्यूज होते हैं, ठीक है। एंड टुडे इन दिस लेक्चर बेसिकली वी विल डील विद एनिमल टिश्यूज। एनिमल्स में किस किस टाइप के टिश्यूज होते हैं, कहाँ कहाँ ये टिश्यूज पाए जाते हैं, एंड वॉट आर द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यूज। तो टू बी स्टार्ट विद और ओवरव्यू अगर हम देखें एनिमल टिश्यूज की, सबसे पहले एनिमल टिश्यूज के कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं विच फॉर्म्स आवर लाइनिंग ऑफ द बॉडी। जैसे कि आप देखिए स्किन, स्किन क्या है, इट इज अ लाइनिंग। इसके अंदर मसल्स है, बोन्स है, अलग अलग टिश्यूज है। सो कुछ टिश्यूज होते हैं विच फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ आवर बॉडी, एंड दिस टिश्यूज आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यूज। सिमिलरली कुछ टिश्यूज होते हैं विच helps in movement, चाहे वो हमारे voluntary movements हो, that means ऐसे movements जो हमारे control में हो, या चाहे वो हमारे involuntary movements हो, that means ऐसे movements जो हमारे control में ना हो, whatever it is, but muscular tissues जो है ये इनकी main function क्या है कि ये body में movement में help करती है। Then कुछ tissues ऐसे भी होते हैं जो बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते हैं, एंड देयरफॉर दिस टिश्यूज आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज। अब कनेक्टिव टिश्यूज के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। कुछ हमारे फ्लूइड हो सकते हैं, कुछ हमारे लूज टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज हो सकते हैं, कुछ हमारे स्पेशल हो सकते हैं। डेफिनेटली इन डिटेल्स हम देखेंगे, बट हियर वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कितने अलग अलग टाइप्स के एनिमल टिश्यूज होते हैं। And last one is the nervous tissue or neuron. That means, अब देखिए हमें किसी मच्छर ने काट लिया, then how we can sense that किसी ने हमें काटा है? It is due to the transmission of signal. हमारे पूरी बॉडी में एक नेटवर्क बनी हुई है, and this is the network of nerves, or this is the नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, जो क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। मैंने किसी को थप्पड़ मारा, उसने उल्टा मुझे थप्पड़ मारा, क्यों? क्योंकि उसने जो भी मैंने किया उससे रिस्पॉन्स किया, दैट मीन्स उसके ब्रेन में सिग्नल गया कि साला तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें उल्टा दूंगा, ठीक है। सो हमारे पूरी बॉडी में एक सिस्टम बनी है जो सिग्नल ट्रांसमिट करती है, एंड उसी को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो देखिए एनिमल्स में बहुत ही अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं। इनफैक्ट एपिथेलियल के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है, मस्कुलर टिश्यूज के भी टाइप्स होते हैं, कनेक्टिव के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। एंड इन दिस वीडियो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस एपिथेलियल टिश्यूज एंड मस्कुलर टिश्यूज। सो लेट्स स्टार्ट with our first type of tissue, that is epithelial tissue. अब मैंने पहले ही बताया है what are epithelial tissues. So these are tissues that forms the outer linings. अब ये ऐसे tissues है जो outer lining बनाती है। अब ये आउटर लाइनिंग किसी भी चीज की हो सकती है, हमारे ऑर्गन्स के हो सकते हैं, हमारे ट्यूब्स के हो सकते हैं, या हमारे स्किन के भी हो सकते हैं। सो दिस टिश्यूज बेसिकली फॉर्म आउटर लाइनिंग। इपी का मतलब होता है बाहर, ठीक है। एंड दिस टिश्यूज आर कैटेगराइज इनटू थ्री टाइप्स। सबसे पहला जो टाइप है इट इज स्क्वामस एपिथेलियम। इस सबसे पहला टाइप स्क्वामस एपिथेलियम है। Here, this is the diagram. यहां आप देख सकते हो दिस आर इरेगुलरली शेप्ड प्लस फ्लैट सेल्स होते हैं। ये एकदम फ्लैट टाइप के सेल्स होते हैं, उनकी डिमेंशंस जो होते हैं वो किसी प्रॉपर शेप में नहीं होता। यस, सो दे आर थिन फ्लैट एंड इरेगुलरली शेप्ड सेल्स। और
They are also called tessellated and pavement epithelium. Pavement का मतलब देखिए, जब भी हम squamous epithelium को देखते हैं हमें लगता है कि उन्होंने एक floor की creation की है. जैसे कि आपके घरों में tiles होगा, marbles होगा, तो उस टाइप की appearance यहाँ देखने को मिलती है. And therefore squamous epithelium are also called pavement or tessellated epithelium. अब अगर हम देखें लोकेशन कि ये जो स्क्वामस एपिथेलियम है पाए कहां जाते हैं, एग्जैक्टली वेयर दे आर फाउंड. सो दे आर फाउंड इन द लाइनिंग्स ऑफ माउथ, इसोफेगस एंड ब्लड वेसल्स. हमारे मुंह की जो लाइनिंग होती है, हमारी फूड पाइप की जो लाइनिंग होती है, प्लस हमारे ब्लड वेसल्स, आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, कैपिलरीज हो गया, जितने भी हमारे ब्लड वेसल्स है, स्क्वामस एपिथेलियम इज फाउंड देयर. उसके अलावा इट इज ऑल्सो फाउंड इन आवर टंग एंड स्किन. हमारी जो स्किन की कवरिंग है उसके उसमें भी बेसिकली स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शन. अब हमने ये देख लिया दे आर फ्लैटेंड सेल्स, उनको हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं. प्लस हमने ये भी देख लिया कि ये पाए कहाँ जाते हैं. बट वॉट आर द फंक्शंस, इसकी फंक्शंस क्या क्या है. सो नंबर वन फंक्शन इज प्रोटेक्शन. क्योंकि अब आप सोचो कि अगर आपकी स्किन नहीं होती तो कैसा लगता, आपके मसल्स एक्सपोज रहते, हड्डियां भी एक्सपोज रहते और हो सकता है एक दो ऑर्गन्स भी एक्सपोज ही रहते. तो क्या ऐसे कंडीशंस में हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड रहती? ऑब्वियसली नॉट. सो द मेन फंक्शन और द फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम और एनी काइंड ऑफ एपिथेलियम टिश्यू इज द प्रोटेक्शन. एक वो शील्ड की तरह काम आती है. सेकेंड अगर हम देखें, इट प्रोवाइड्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी. अब आप ये सोचो कि जब भी हम किसी दुकान में घड़ी खरीदते हैं या कोई डेलिकेट चीज खरीदते हैं, ग्लास आइटम खरीदते हैं, हमेशा उसके दोनों तरफ स्पंज रख देते हैं ताकि अगर बाय चांस किसी भी चीज के वजह से, किसी भी कारण के वजह से वो टूट ना जाए, ठीक है, कि वो गिर भी जाए तब भी वो ना टूटे. सो बेसिकली यही चीज हमारे बॉडी के साथ भी है. हमारे ऑर्गन्स बहुत डेलिकेट होते हैं एंड ये जो एपिथेलियल टिश्यूज है इट एक्ट लाइक अ स्पंज. दोनों तरफ वो प्रेजेंट होते हैं और उस ऑर्गन को और उस स्ट्रक्चर को वो प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल इंजरी. एंड लास्ट वन इज द इन्वेजन्स ऑफ जर्म्स. कोई भी जर्म्स अगर आए, कोई भी जर्म्स हमारे बॉडी में एंटर करे, थ्रू स्किन भी अगर हम देख लें, तो सबसे पहला जो बैरियर उसको मिलता है इट इज द एपिथेलियल टिश्यूज. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्क्वामस एपिथेलियम. अब आता है टुवर्ड्स द सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. अब देखिए क्यूबॉइडल, इसमें कोई बहुत ज्यादा हार्ड फर्स्ट लॉजिक नहीं है. जस्ट बिकॉज दिस सेल्स एक्ट लाइक अ और दे लुक लाइक अ क्यूब अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, दे आर बेसिकली क्यूब लाइक सेल्स, इसीलिए इन सेल्स को हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं. ये स्क्वामस एपिथेलियम से थोड़े से मोटे होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स क्यूब लाइक होती है. लोकेशंस अगर हम देखें, इट इज फाउंड इन द ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी. हमारे किडनी में जितने भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाए जाते हैं. थायराइड, हमारे गले में देयर इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच इज थायराइड ग्लैंड. थायराइड के वेसिकल्स में क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है. एंड उसके अलावा सलाइवरी स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स इट इज प्रेजेंट इन आवर माउथ एंड स्वेट ग्लैंड्स हमारे स्किन में होती है, जिसके वजह से क्या होता है, स्वेटिंग होती है. ठीक है, सो ऑल दिस ग्लैंड्स हैव क्यूबॉइडल एपिथेलियम इन देम. एंड उसके अलावा जो भी हमारे गोनाड्स होते हैं, गोनाड्स का मतलब है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पार्ट है बेसिकली. जैसे कि आप देखोगे गोनाड्स इज टेस्टिस. टेस्टिस में जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक स्ट्रक्चर होती है टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन होती है. इन हायर क्लासेस इन डिटेल्स आप इसकी डेफिनेटली स्टडी करोगे, बट फिलहाल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोनाड्स. सो इन अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड टेस्टिस. टेस्टिस के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं,
इन सेल्स, ये जो सेल्स है बेसिकली दे आर क्यूबॉइडल एपिथेलियम और इन्हीं सेल्स से स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन होती है. सिमिलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एक स्ट्रक्चर होता है ओवरी, ठीक है, एंड ओवरी में भी कुछ हमारे ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जिसमें से हमारी एग सेल्स की डेवलपमेंट होती है. सो बेसिकली ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है सबसे पहले तो किडनी के ट्यूब्स में पाए जाते हैं, देन थायराइड, स्वेट, सलाइवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, एंड देन दे आर ऑल्सो फाउंड इन गोनाड्स. फंक्शंस अगर हम देखें कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सो इट इज एब्जॉर्प्शन. दैट मीन्स कोई भी चीज वो एब्जॉर्ब करती है, जो न्यूज, चाहे वो कोई आयन्स हो, कोई दूसरी मिनरल्स हो और कोई भी सिक्रेशंस हो, तो वो एब्जॉर्प्शन करती है. नेक्स्ट वन इज सिक्रेशन. सिक्रेशन का मतलब है टू रिलीज सब्सटेंसेस. सिक्रेशन मीन्स रिलीज सब्सटेंसेस. अब वो कोई प्रोटीन हो सकती है, हो सकता है कोई दूसरी केमिकल हो, हो सकता है कोई स्टेरॉइड हो, वट एवर इट इज. सिक्रेशन सिंपली मीन्स रिलीज ऑफ सम सब्सटेंसेस. एंड जरूर आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो भी हमारे ग्लैंड्स में सेल्स है, जो भी हमारे ग्लैंड्स में क्यूबॉइडल सेल्स है, उनकी मेन फंक्शन होगी सिक्रेशन. जैसे कि हमारे थायराइड ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, वो क्या करती है, सिक्रीट करती है अलग अलग तरीके के केमिकल्स. नेक्स्ट वन इज दी मैकेनिकल सपोर्ट. ये मैंने स्क्वामस में भी बताया कि जो भी हमारे एपिथेलियल सेल्स है, चाहे वो हमारे स्क्वामस हो, क्यूबॉइडल हो या दूसरी जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबकी फंक्शंस में दो चीजें कॉमन है. नंबर वन इज प्रोटेक्शन एंड नंबर टू इज दी मैकेनिकल सपोर्ट. So now come to our last type of epithelial tissues, that is columnar epithelium. And again, just because of the shape, ठीक है, shape इसकी pillar-like होती है. यहाँ आप देख सकते हो pillar-like cells है, लंबे लंबे cells होते हैं, and therefore these cells are called columnar. Columnar का मतलब है column type, लंबे लंबे column type के cells होते हैं ये, therefore they are called pillar-like or columnar cells. Locations अगर हम देखें, they are found in the linings of stomach, हमारे पेट के linings में, हमारे intestine, basically दोनों large intestine and small intestine दोनों के lining में, plus हमारे oviduct and gallbladder में भी पाई जाती है. Oviduct is also called fallopian tube. Oviduct को हम fallopian tube भी कहते हैं और ये भी हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है. अब देखिए, मैंने बताया कि लोकेशन में स्टमक और इंटेस्टाइन, कॉलन इज बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को कॉलन भी कहा जाता है. सो इट इज फाउंड इन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देयर इट फॉर्म्स म्यूकस. वो म्यूकस बनाती है. अब ये म्यूकस क्या है, तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि हमारी जो बॉडी के अंदर अलग अलग केमिकल रिएक्शंस चलते हैं. इन हायर क्लासेस इसके बारे में भी आप पढ़ोगे, डाइजेशन के बारे में भी आप इन डिटेल्स पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारे पेट में अलग अलग तरीके के बेसिकली चीज़ें चलती है, अलग अलग केमिकल रिएक्शन चलती है. पेट में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रेशन भी होती है. तो इतनी केमिकल चीज़ें कैसे बॉडी बर्दाश्त करेगी, सो इट इज बाय The secretion of mucus. Mucus क्या है, ये एक टाइप की लेयरिंग बना देगा हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में, जिसके वजह से जो भी केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होगी वो सेल्स को नहीं खराब कर पाएगी. यस, सो म्यूकस जो सिक्रीट करते हैं कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट इन आवर स्टमक एंड इन आवर स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, वो क्या करती है, जो भी केमिकल रिएक्शन होगी डाइजेशन वाले प्रोसेस में, उससे सेल्स को या स्टमक के बाकी के पार्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. सिमिलरली ओविडक मैंने बताया फेलोपियन ट्यूब होती है. फेलोपियन ट्यूब एंड ओविडक दोनों सेम चीज है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यहां अगर आप देखोगे
फेलोपियन ट्यूब में ये क्या करती है? इट हेल्प्स इन मूवमेंट. जो भी यहां कॉलमनार सेल्स होते हैं फेलोपियन ट्यूब में, उनमें ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सीलिया. और ये सीलिया क्या करती है? जब भी कोई स्पर्म सेल्स या कोई एग सेल्स को मूव करना होगा, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है और ये जो सीलिया है, वो आगे की तरफ उस चीज को पुश करेगी, वो एग सेल्स को आगे की तरफ पुश करेगी ताकि उसकी मूवमेंट स्मूथ हो सके. सो यहां पे भी अगर हम फंक्शंस देखें, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम? सबसे पहला फंक्शन है अगेन एब्जॉर्प्शन. जैसे कि आप देखोगे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन जो है बेसिकली इट इज अ कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन. जब भी हम कोई खाना खाते हैं, हमें लगता है कि वो सिर्फ पेट में डाइजेस्ट होता है, बिल्कुल नहीं. जब भी हम खाना खाते हैं, डाइजेशन हमारे मुंह से शुरू होती है, पेट में होती है, एंड देन इंटेस्टाइन में पूरी की पूरी डाइजेशन होती है. तो यहां पे भी जो भी हम खाएंगे उसका एब्जॉर्प्शन होना बहुत बहुत जरूरी है. और ये कौन करता है? इट इज डन बाय एपिथेलियल और द लाइनिंग सेल्स. वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है. अगर हमने आज चावल खाई है, दाल खाई है, तो चावल में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट. दाल में क्या होगा? प्रोटीन. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, इट विल गेट एब्जॉर्ब विद, कहां से होगी? विद द हेल्प ऑफ एपिथेलियल सेल्स. सिमिलरली सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन के साथ साथ ये सारी जो हमारी सेल्स होते हैं वो टाइम टू टाइम कुछ चीजें रिलीज भी करते रहते हैं. जैसे कि अभी मैंने बताया म्यूकस, ठीक है, म्यूकस भी एक टाइप की रिलीजिंग सब्सटेंस ही है. और यही म्यूकस क्या करेगी? पूरी एलिमेंटरी कैनल, एलिमेंटरी कैनल का मतलब है हमारे फुट पाइप से लेकर एनस तक की जो पूरी पाइप बनी हुई है, इट इज आवर एलिमेंटरी कैनल. And mucus is also an example of secretion. दूसरी function मैंने अभी बताया कि it also facilitates the movement in some. जैसे कि मैंने बताया कुछ columnar cells के ऊपर छोटे छोटे hair like structures होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम? जल्दी जल्दी बताओ. Yes, it is called cilia. और ये जो cilia है, it helps in movement of the egg cells or sperm cells. So that's all about epithelial tissues. But wait, क्या अभी epithelial tissues खत्म हो गए हैं? बिल्कुल नहीं. Epithelial tissues के भी कुछ modifications होते हैं. जैसे कि जो epithelial tissues हमारे glands में पाए जाते हैं, they are called glandular epithelial tissues. ठीक है, उन्हें हम glandular tissues भी कहते हैं. और इनकी अगर हम main function देखें, secretion करना, जैसे कि thyroid थाइरोक्सिन, विच इज द थायराइड हार्मोन, वो रिलीज करेगी. सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा रिलीज करेगी. स्वेट ग्लैंड, स्वेट रिलीज करेगी. सो बेसिकली कोई भी हमारी अगर ग्लैंड में जो एपिथेलियल टिश्यूज होगी, इट विल बी आवर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. जल्दी जल्दी आप बताओ कि हमारे बॉडी में कितने टाइप के ग्लैंड होते हैं? Is there any different type of glands found in our body? क्या salivary glands और thyroid glands same category के gland होते हैं या अलग होते हैं? जल्दी जल्दी बताइए. Answer मैं video के last में बताऊंगी. Okay, so now come to the second type ciliated, जो मैंने already mention कर दी है कि कुछ हमारे epithelial tissues होते हैं, epithelial cells होते हैं, जिसमें क्या होगा? Hair like structures होंगे. यहां आप देख सकते हो ऐसे hair like structures होंगे, and this hair like structures will help in the movement. वो चीजों को move करने के लिए help करेगी. और ये कहां पाए जाते हैं? Oviduct, जो मैंने अभी बताया था fallopian tube ने, which is a part of female reproductive system. हमारे bronchi, that means हमारे lungs से जो trachea जाती है, हमारे lungs में जो branches बने हैं, उनमें पाए जाते हैं, ठीक है? And functions मैंने बता दिया, it is movement of things. So अब आते हैं towards our next type of tissues, that is muscular tissues.
अब अगर हम फंक्शंस की बात करें मस्कुलर टिश्यूज की, तो सब लोग बोलेंगे कि हम वॉक करते हैं, वी रन, वी डू एक्सरसाइजेस और वी ईट, व्हाटएवर वी डू विद द हेल्प ऑफ आवर मसल्स, इट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ मसल. ठीक है, जो हम देख, डायलॉग ही है कि जो दिखता है वही बिकता है. तो स्केलेटल मसल्स दिखते हैं तो वही बिकते हैं. बट व्हाट अबाउट आवर हार्ट मसल्स? जो हमारे हार्ट मसल्स होते हैं, क्या वो हमारे कंट्रोल में होता है? बिल्कुल नहीं. बट क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? सिमिलरली हमारे कुछ ऐसे मसल्स भी होते हैं जो हमारे फूड पाइप में है, उसकी मूवमेंट के वजह से खाना अंदर जाता है. एंड अगेन दिस मसल्स आर आल्सो नॉट अंडर आवर कंट्रोल. हम फूड पाइप के मसल्स को भी नहीं कंट्रोल कर सकते. तो क्या ये मसल्स इंपॉर्टेंट नहीं है? नो, डेफिनेटली हर टाइप ऑफ मसल्स इंपॉर्टेंट होता है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन आवर बॉडी. अब देखिए, डिपेंडिंग अपन द स्ट्रक्चर, कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है या ये किस टाइप की बेसिकली मूवमेंट करवाती है, मसल्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स. सबसे पहले इट इज स्ट्राइटेड और स्केलेटल मसल्स. दैट मीन्स जो हमारे बोन्स के साथ, हमारे स्केलेटन को के साथ अटैच होती है और हमें मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं. अब उसे स्ट्राइटेड क्यों कहा गया है वो भी हम देखेंगे, बट पहले हम जस्ट टाइप्स देखेंगे. सेकेंड वन इज दी स्मूथ और नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, जो हमें नहीं दिखता, जो हमारे अलग अलग फूड पाइप्स या एलिमेंटरी कैनल्स की पार्ट है, या हमारे बॉडी में जितने भी ट्यूब लाइक सिस्टम है उसमें जितने भी मसल्स है, दे आर स्मूथ और नॉन स्ट्राइटेड मसल्स. थर्ड वन इज आवर कार्डियक मसल्स, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में पाई जाती है. एंड इट इज वन ऑफ इट्स काइंड, यूनिक है, किसी भी दूसरे बॉडी पार्ट में ये नहीं पाई जाती है. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टाइप ऑफ मसल, दैट इज स्ट्राइटेड और स्केलेटल मसल्स. सबसे पहले आप देखिए, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें कुछ डार्क एंड लाइट कलर के बैंड्स दिखेंगे. सो इसी के वजह से, जस्ट ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ दिस डार्क एंड लाइट बैंड्स, इन्हें हमने स्ट्राइटेड कहा है, इन्हें हमने स्ट्रिप्ड कहा है, इन्हें स्ट्रिप्ड भी कहा जाता है. दे आर सॉरी सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिप्ड मसल्स. ठीक है, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं उनमें. उसके अलावा दिस आर वॉलेंटरी मसल्स, वो कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में होता है. जब भी हमारे मन चाहेंगे हम उठेंगे, वी विल स्टार्ट रनिंग, वी विल स्टार्ट वॉकिंग. सिमिलरली जब भी मेरा मन करेगा मैं लिखूंगी और जब भी मेरा मन करेगा मैं नहीं लिखूंगी. डेट मीन्स ये जो मसल्स है, इनकी जो मूवमेंट है कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में है. एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड वॉलेंटरी मसल्स. सिमिलरली दे, अगर हम देखें इस पूरे बंडल में, ठीक है, इस पूरे बंडल में क्या आपको किसी भी टाइप की ब्रांचिंग दिख रही है? किसी भी टाइप की आपको ऐसे साइड में ब्रांचेस दिख रही है? नो. सो ये जो हमारे स्ट्राइटेड मसल्स है, दे आर अनब्रांच्ड, इनमें किसी भी टाइप की ब्रांचिंग नहीं होता. तो देखिए, ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रही हूँ, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मसल्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं. मसल्स के डिफरेंसेस पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स और तीनों के डिफरेंशिएशन बताइए. तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस किस में बैंड है और किस किस में नहीं है, ब्रांचिंग उनमें है या नहीं है. एंड द थर्ड पॉइंट इज वो वॉलेंटरी है या इनवॉलेंटरी है. तो ये तीनों पॉइंट तो याद रखने ही रखने हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्ट्राइटेड मसल्स की और एक, आप खूबी कहे खामी कहे, वट एवर इट इज, रैपिडली वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, एनर्जी यूज करती है और वो थक भी जाती है. एंड जिसके वजह से हमारे स्केलेटल मसल्स को रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है. सो यस, उनकी कंट्रैक्शन रैपिड होती है, बट दे गेट फैटीग, वो थक जाते हैं एंड दे नीड रेस्ट. फंक्शंस की अगर हम बात करें, दिस मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वॉलेंटरी मूवमेंट्स में इनका रोल होता है.
अब सेकेंड टाइप ऑफ जो मसल्स है इट इज आवर स्मूथ मसल्स. यहां आप देख सकते हो दिस मसल्स आर स्पिंडल शेप्ड. इस टाइप की उनकी शेप होती है. इस शेप को हम कहते हैं स्पिंडल शेप्ड, जिसका मतलब है कि बोथ द एंड्स आर टैपरिंग. टैपरिंग का मतलब है पॉइंटेड. सो बोथ दिस एंड्स आर टैपरिंग एंड इनमें किसी भी टाइप की ब्रांचिंग आपको नहीं दिख रहा होगा. यस, सो इनमें क्या है, ना ही डार्क एंड लाइट कलर के बैंड्स है, इनमें ना ही ब्रांच्ड है. एंड थर्ड पॉइंट, क्या ये वॉलेंटरी है या इनवॉलेंटरी है. सो डेफिनेटली दे आर इनवॉलेंटरी. आप खुद ही सोचो, आपने खाना खाया, खाना आपके गले तक पहुंचा, तो क्या आप अपने विल से खाने को यहां रोक पाओगे, या क्या आप अपने विल से खाने को स्टमक तक रोक पाओगे 2-3 दिन तक? नो, हम नहीं रोक सकते. एक बार खाना हमने स्वेलो कर दिया, उसके बाद फूड की जो मूवमेंट होगी वो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होगा. एंड देयरफॉर इट इज एन इनवॉलंटरी मूवमेंट. ठीक है, एंड सो याद रखिए, स्पिंडल शेप्ड है, अनब्रांच है, डार्क एंड लाइट कलर के बैंड्स उनमें नहीं है, प्लस वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है. उनकी फंक्शन है इनवॉलेंटरी मूवमेंट करना. लोकेशन मैंने बता दिया कि वो हमारे विस्करल जितने ऑर्गन्स है, जितने हमारे हॉलो ऑर्गन्स है, उनमें पाए जाते हैं एक्सेप्ट हार्ट. हार्ट में ये नहीं पाए जाते, क्योंकि आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ ओनली अ टाइप ऑफ टिश्यूज, वो अलग ही चीज है. ऑल डक्स, जितने भी हमारे ट्यूब लाइक सिस्टम है बॉडी में, उनमें पाए जाते हैं वॉल्स ऑफ एलिमेंटरी कैनल. दैट मीन्स हमारे ओसोफोगस से लेकर हमारे एनस तक पूरी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इट इज कॉल्ड एलिमेंटरी कैनल. और उनके वॉल्स में भी हमारे नॉन स्ट्राइटेड और स्मूथ मसल सेल्स पाए जाते हैं. फंक्शंस मैंने बता दिया, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट. अब क्या है ये पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट? तो क्या आपने किसी लीच को या किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को कभी क्रॉल करते हुए देखा है? शायद ही देखा होगा. तो वो इस टाइप की मूवमेंट करते हैं, समथिंग लाइक दिस. इस टाइप की उनकी मूवमेंट होती है, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट. जैसे कि आप मान लीजिए दिस इज अ ट्यूब. अब फूड पार्टिकल्स जब भी इस ट्यूब में एंटर करेगी, वो इस टाइप के मूवमेंट से, इस टाइप के मूवमेंट से वो एंटर करेगी. एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट. एंड स्मूथ मसल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इन आवर बॉडी. उसके अलावा किसी भी ट्यूब की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी उनकी रेगुलेशन हो सकती है. नेक्स्ट वन इज आवर द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इज आवर कार्डियक मसल्स, जो हमारे हार्ट में पाई जाती है. अब देखिए स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यहां आप देख सकते हो ये भी बंडल्स में होते हैं, लाइक आवर स्ट्राइटेड मसल्स. ठीक है, इनमें भी स्ट्राइशंस होते हैं, बट बहुत ही लाइट इनमें स्ट्राइशंस होते हैं. प्लस इनमें एक एडिशनल फीचर होता है, दैट इज दी ब्रांचिंग. यहां आप देख सकते हो वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो सिंगल सिंगल ब्रांचेस नहीं है, दे आर कनेक्टेड. सो यस, दे आर बंडल्स, बट दे आर ब्रांच्ड. स्ट्राइशंस होते हैं, बट बहुत ही लाइट होते हैं. ठीक है, बहुत ही पतला होता है. लोकेशन इज वन एंड ओनली हार्ट. हार्ट के अलावा ये कहीं नहीं पाए जाते इन आवर बॉडी. फंक्शंस, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. इन शॉर्ट बोला जाए तो ये हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए इनडायरेक्टली हेल्प करती है. क्योंकि अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, रिलैक्स नहीं होगा, तो बॉडी में ब्लड की पंपिंग भी नहीं होगी. एंड ये जो हमारे मसल्स है वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव मसल्स है, जिन्हें जो कभी भी नहीं थकते. और वही शायद हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जिस दिन हार्ट के मसल्स थक गए, हम तो गए. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर मस्क्यूलर टिश्यूज. सो जस्ट लेट्स हैव अ क्विक रिविजन. जल्दी जल्दी आप मुझे बताओ कि अभी जो हमने स्टडी की है अबाउट अ स्क्वामस एपिथेलियम, उसकी स्ट्रक्चर कैसी थी? जल्दी जल्दी बताइए. इट इज यस फ्लैट थी, इरेगुलर थी.
ठीक है. नेक्स्ट बताइए क्यूबॉइडल का कैसा था. क्यूबॉइडल का इट इज क्यूब लाइक. और फंक्शंस क्या थे दोनों के. स्क्वामस एपिथेलियम की फंक्शन थी बाहर की लाइनिंग बनाना, स्किन में हो चाहे वो हमारे माउथ में हो, लाइनिंग बनाना. ठीक है. सो स्क्वामस एपिथेलियम इज फाउंड इन द माउथ लाइनिंग और इन आवर स्किन. बहुत सारे थे बट हम बस कुछ कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन इज क्यूबॉइडल. क्यूब लाइक सेल्स से कहाँ पाए जाते थे या फंक्शंस क्या था उनका. पाए वो जाते थे किडनी के ट्यूब्यूल्स में. फंक्शंस की अगर हम बात करें तो उनका फंक्शंस था सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन. फिर जल्दी जल्दी बताइए कॉलमनार की क्या थी. कॉलमनार हमारे लंबे लंबे सेल्स थे. दे आर पिलर लाइक सेल्स. फंक्शंस क्या थे. अगेन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ही उनका फंक्शन था. अब अगर हम मॉडिफिकेशंस की बात करें, जो भी हमारे सेल्स ग्लैंड में थे दे आर ग्लैंडुलर एपिथेलियम. और जिस भी सेल्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर था दे आर सिलिएटेड एपिथेलियम. नेक्स्ट आते हैं मसल्स पे. सो स्ट्राइटेड मसल्स कैसे थे. स्ट्राइटेड मसल्स बंडल टाइप के थे. डार्क एंड लाइट कलर के बैंड्स थे उनमें भी बट उनमें किसी भी टाइप की ब्रांचिंग नहीं थी. दैट मीन्स डार्क एंड लाइट बैंड्स. नो ब्रांचिंग. एंड कैसे थे ये. वॉलेंटरी थे या इनवॉलेंटरी थे. दे आर वॉलेंटरी मसल्स. सिमिलरली स्मूथ मसल्स कैसे थे. फूल के टाइप. बिल्कुल नहीं. दे लुक लाइक अ लीफ. पत्ते की तरह थे. स्पिंडल शेप्ड थे. इनमें भी क्या था. कोई बैंड्स नहीं था. नो डार्क एंड लाइट बैंड्स. क्या ये इनवॉलेंटरी थे या वॉलेंटरी थे. दे आर इनवॉलेंटरी मसल्स. और इनमें भी किसी भी टाइप की ब्रांचिंग नहीं थी. देयर इज नो ब्रांचिंग. एंड लास्ट टाइप वॉज आवर कार्डियक मसल्स. जो कहाँ मिलते थे. हमारे हार्ट में पाए जाते थे. ठीक है. एंड ये जो हमारे कार्डियक मसल्स है उनकी स्ट्रक्चर कैसे थी. इट इज अगेन बंडल बट इन बंडल्स में अब ब्रांचिंग होंगे. उनमें इस टाइप के ब्रांचिंग होंगे और उनमें लाइट एकदम बहुत ही लाइट टाइप की बैंड्स भी होंगे. सो अगेन बैंड्स तो है बट लाइट बहुत ही पतले होंगे. ब्रांच्ड भी होंगे. एंड अगर हम बात करें कि दे आर वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी देन दे आर ऑल्सो इनवॉलेंटरी. दे आर नॉट अंडर आवर डायरेक्ट कंट्रोल. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब आते हैं क्वेश्चंस पे. तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्क्वामस एपिथेलियम इज फाउंड इन. कहाँ पाए जाते हैं स्क्वामस एपिथेलियम. नेक्स्ट इज सिलिएटेड एपिथेलियम की मेन फंक्शन क्या है. And the last question is, which muscles are involuntary and which muscles are voluntary in action? So, jaldi jaldi answers description box mein likhiye. Till then, thank you. Padhai karte rahe. All the very best.